16 सोमवार शिवपुराण कथा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश तीसरे दिवसीय की कथा आज संपन्न हो चुकी है। गुरुजी द्वारा कथा बांची जा रही है 16 सोमवार शिवपुराण कथा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी, माता रानी, भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉट अर्चना में आपका स्वागत है। तो ये 5 दिवसीय की कथा चलने वाली है, जो कि तीसरे दिवसीय की कथा आज संपन्न हो चुकी है। तो गुरुजी ने जो आज की कथा में बताए हैं, तो मैं पूरी वीडियो में बताऊंगी आपको। अगर कोई कारणवश आज गुरुजी की कथा आप नहीं सुन पाए हो, तो मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संपूर्ण कथा की पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें, जिसमें कि आज गुरुजी ने 2 विशेष उपाय बताए हैं। तो वीडियो के अंत तक मैं आपको दूंगी। तो आज गुरुजी ने आते ही सबसे पहली बात जो बताई है, बहुत ही सुंदर बात बताई है। आप अगर पूजा पाठ या कोई भी काम जो भी हो, उसे पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए हमें। जब तक उसमें विश्वास नहीं होंगे, तो क्या मैं बोलूँ कि जो भी हो, दृढ़ विश्वास रखो तो आपका काम जरूर पूर्ण होगा, जरूर आपको परमात्मा मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। शिव कथा कहती है, जहाँ भक्ति है वहाँ मुक्ति है, जरूर है। जहाँ आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, वहाँ आपको मुक्ति का मार्ग ढूंढने की नहीं पड़ेगा। बस अपना कर्म करते रहो, मुक्ति खुद ब खुद मिल जाएगी। तो बढ़ती हैं अगले बात की ओर। तो गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पे बताएं। अगर आपके कपड़े पे चाय गिर जाए या सब्जी गिर जाए, तो उसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद धोओगे तो दाग नहीं जाएगी, पर अगर उसी समय साफ कर दो तो दाग उसी समय चली जाएगी। इस पे गुरुजी बोले, पाप करते हैं जवानी में, पाप धोते हैं बुढ़ापे में, तो क्या धुलेगा? नहीं धुलेगा। जब जवानी में पाप किए हो, तो उसी समय धुलो तो जरूर धुल जाएगी, जरूर पाप मिट जाएगी। बुढ़ापे में धोने की कोशिश करोगे तो नहीं मिटेगी। बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न किया कि एक व्यक्ति के लिए वो बुद्धि हो, एक व्यक्ति का की ऐसी बुद्धि होती है जो सबके लिए अच्छा सोचता है, और एक व्यक्ति का ऐसा सोच होता है जो सबके लिए नीचा सोचता है। अगर मान ले नीचे सोचने वाले हमारे पास आ जाए, तो क्या करना चाहिए? तो महादेव बड़े प्यार से बहुत ही अच्छी बातें बोले। जब नीचे सोचने वाला अगर हमारे सामने आ जाए, तो उस समय हमें भगवान के भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। भगवान की कृपा से वो खुद ब खुद नीचा हो जाता है। तो गुरुजी कहते हैं, अगर किसी के पास ऐसा व्यक्ति, किसी को नीचा दिखाने वाला, किसी के प्रति गलत भावना रखने वाला सामने आए, तो मुख पे कपड़ा ढक लो और भगवान की भक्ति में लीन हो जाओ, ताकि उसकी लक्षण आप में ना आ जाए। तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे, तो वो अपने आप नीचा गिर जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। गुरुजी बताए कि सारे देवता ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, और मेरे महादेव केवल एक हैं जो कि नीचे ज़मीन पे बैठते हैं। सब देवता ऊपर निवास करते हैं, लेकिन मेरे महादेव पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक में रहते हैं। आप जब महादेव को दिल से याद करते हो, तो वो आ जाते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो महादेव ज़रूर समस्या का हल करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं, जिनके घर बच्चे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो उसके माता पिता को कभी वृद्धा आश्रम जाने की नहीं पड़ती है, वृद्धा आश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती है, क्योंकि उस बच्चे को माता पिता द्वारा ऐसा ही संस्कार दिया गया है, जो कि माता पिता को उस बच्चे, उसका वृद्धा आश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ने पड़ती है। तो बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। एक पत्र आया, गुरुजी उसमें उनका नाम नहीं लिए, कोई कारणवश उसमें उसका नाम नहीं लिए। नाम लिखा हुआ था, पर वो नाम नहीं लिए।
वे बोले, गुरुजी मेरे जीवन की एक घटना मैं आपके साथ वर्णन करना चाहता हूँ। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, मैंने भी उसे मैसेज किया, दोनों का मिलना जुलना हुआ, बातें हुई, मिलना जुलना हुआ। उसने मुझे बस में ऐसा कर लिया कि जब भी जो चीज़ भी वो मुझसे मांगती थी मैं देता चला गया। मैं घर से उसके पास पैसे लेके जाता था और मैं उसे हमेशा देता था। और हम एक दिन मुझे वो 1.5 लाख मांगी और मुझे 1.5 लाख की ज़रूरत है, तू लेके आ जा नहीं तो मैं मरने जा रही हूँ। ऐसे हमेशा बार बार वो धमकी देती थी कि मैं मर जाऊँगी और वो जो बोलती मैं करता था। मैं बहुत उदास रहता था और मेरी माँ से ऐसा देखा नहीं गया। और मेरी माँ ने एक दिन पूछ लिया और कि बेटा तू पहले कितना खुश रहा करता था, आजकल क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों रहता है। और मैं सारी बातें बता दिया। मेरी बोली, तू उदास मत हो बेटा, जा महादेव के मंदिर, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा, महादेव के आगे पटक दे मोबाइल और वही सारा कल्याण करेंगे। तो मैं वही किया। आज वो किसी और से शादी कर ली, अब मैं भी खुश और वो भी खुश, उससे मेरा पीछा छूट गया। यही आभार व्यक्त करने मैं इस पंडाल में आया हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि तुमरुका जी कौन है, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जो पूजा होती है, तो ये तुमरुका जी कौन है। तुमरुका जी शंकर के उपासक हैं। तुमरुका जी के कोई संतान, मतलब संतान तो थे ही, लेकिन 42 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई तुमरुका जी को। तो उपासना करने मात्र से उनकी संतान की प्राप्ति हुई, इसीलिए कहते संतान प्राप्ति के लिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है। गीता गुरुदेव बाबा की कृपा से कई सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई, इसीलिए मैं महादेव का आभार व्यक्त करने आई हूँ। सब कहता था इसके कोई संतान नहीं होगी और मैं सफ़ेद आंकड़े का जर का प्रयोग की और मुझे संतान की प्राप्ति हुई। तो बढ़ते हैं अगली बात की ओर। तो प्रिया जी का एक पत्र आया छिंदवाड़ा से, सफ़ेद आंकड़े की जड़ और तुमरुका जी का क्या वर्णन करूं मैं गुरुदेव। मैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग की और पशुपति व्रत भी की, आज मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कोई नहीं कहता था कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, मुझे कोई संतान भी होगा। तो बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरु जी बोले, जब आपको तो विशेष उपाय यही है, गुरुजी ने इस कथा में जो विशेष उपाय बताए हैं यही सफ़ेद पुष्प का उपाय बताए हैं। तो गुरुजी बोले, जब आपको कोई बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो दिखाने, डॉक्टर के पास अवश्य जाओ दिखाने, दवाई भी अवश्य लो, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, जाओ। और डॉक्टर से जब ऑपरेशन करवाने जा रहे हो या इलाज के लिए जब भी जा रहे हो, तो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से एक सफ़ेद पुष्प चढ़ा के महादेव को वहाँ जाएं, तो देखो आपका काम क्या सफल होता है। बोलते हैं एक भगवान नीचे बैठा है तो एक भगवान ऊपर बैठा है। डॉक्टर भी कहता है मेरी जो काम थी मैंने कर दिया, अब जाने ऊपर वाले, तो वही बोलते हैं एक भगवान नीचे है तो एक भगवान ऊपर भी है, इसीलिए कहते हैं चलो महादेव के मंदिर। तो बढ़ते हैं आगे अगली उपाय की तरफ। सपना गजेंद्र जी का पत्र आया, उन्होंने कहा, मेरी बेटी संस्कृति, उम्र 15 साल, उसकी लीवर खराब हो गया, पीलिया हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सब जगह और सारे इलाज करवा लिए लेकिन वो ठीक नहीं हुई, खाना पीना सब छोड़ दी, होम्योपैथ एलोपैथ आयुर्वेदिक दवाई सारी दवाई करवा ली। वो 50 kg की थी, 50 kg से 30 kg की हो गई और वो खाना पीना भी छोड़ दी थी, मैं हिम्मत हार गई थी। तब मेरी पड़ोस की एक माता जी ने बोली कि पशुपति का व्रत कर, तुमरुका जी के नाम से सफ़ेद पुष्प चढ़ा और वही एक बेलपत्री ला के दे। तो मैं एक बेलपत्री अपनी बेटी को देती गई और पशुपति व्रत की सफ़ेद पुष्प बाबा को चढ़ाती गई, आज मेरी बेटी ठीक है। तो ये जो कथा है विशेष कथा 16 सोमवार शिवपुराण कथा रखा गया है। तो इसमें कल गुरुजी ने बताए हैं 16 सोमवार के बारे में,
तो आज भी कुछ दो लाइन बताए हैं, दो दिन अभी बाकी है, तो इसमें उसकी क्या महानता क्या विशेषता है कल की कथा में बताएंगे गुरु जी। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि उसकी विशेषता और महानता क्या है आप लोगों को मैं बता सकूँ। तो अब रेणुका 16 सोमवार का व्रत का महत्व और महानता क्या है, उसकी माँ ने कहा, जब सारी बातें ऋषियों ने बताए हैं तो मैं कैसे बता सकती हूँ, मुझे क्या पता इसकी महानता और विशेषता क्या है, तू जा ऋषियों के पास ही। तो ऋषि बोले, इसकी विशेषता और इसकी महानता तो सिर्फ महादेव ही बता सकते हैं, इसकी विशेषता और महानता मैं भी नहीं बता सकता, इसीलिए महादेव ही बता सकते हैं। तो गुरुजी तो अभी यहीं तक बताए हैं, आगे की कथा में, दो दिन की कथा, ये पाँच दिवसीय की कथा चलने वाली है, जो कि तीसरे दिवसीय की कथा आज सम्पन्न हो चुकी है, दो दिवसीय की कथा अभी बाकी है, दो दिन अभी, तो दो दिन में ये कथा में ज़रूर बताएंगे इसकी विशेषता और महानता। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना।